नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार सरल भाषा अधिगम को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 2 जैसा सवाल वैसा जवाब लिया है। इस पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब में हम संज्ञा क्रिया विशेषण पर्यायवाची के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार सरल भाषा अधिगम का उपयोग यह पाठ सीखने के लिए करते हैं। सरल भाषा अधिगम में नवाचार में शिक्षक विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए भाषा की नीरसता खत्म करते हैं और भाषाई बच्चों को भाषाई कौशल सीखने में मदद करते हैं। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है जैसे शिष्टाचार अनुशासन विनम्रता सहनशीलता धैर्य अच्छी संप्रेषण कला दूसरों की बात सुनने की कला परस्पर सहयोग आदि गुण धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होने लगते हैं इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। जब कक्षा में नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है सबसे पहले पाठ का निर्माण किया जाता है, बच्चों से वार्तालाप चालू किया जाता है और कहा जाता है कि आपने कभी किसी सवाल पूछा है, क्या आपने किसी के सवाल का जवाब दिया है, क्या आपने ऐसे सवाल पूछे जिनके आपको आंसर नहीं मालूम हो, या आपने ऐसे सवाल किसी से पूछे जिनके आपको जवाब नहीं मालूम हो। फिर इस प्रकार से वार्तालाप बढ़ती है और शिक्षक बताते हैं कि आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इसके लिए शिक्षक कुछ चित्र कार्ड बना लेते हैं जिसमें आधा भरा हुआ गिलास का चित्र, अग्नि का चित्र, घर का चित्र, आँख का चित्र, इस प्रकार के चित्र सजा के रख लिए जाते हैं। फिर बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल के गार्डन में गए हैं, तो फिर बच्चे जवाब देते हैं, फिर बोलते हैं चलिए एक बार और गार्डन चलते हैं। फिर बच्चों को गार्डन ले जाया जाता है और फिर सब चीज़ उनको नोट करने को बोला जाता है कि आप अच्छे से ये जो चीज़ें देख रहे हैं गार्डन में ये नोट कर दीजिए। बच्चे नोट करते हैं, फिर आगे कक्षा में आके फिर बात की जाती है और चर्चा की जाती है। फिर पूछा जाता है कि आपने पेड़ देखा, पीपल का पेड़ कैसा था या नीम का पेड़ कैसा था। बच्चे आंसर देते हैं बड़ा था, छोटा था, मोटा था, पतला था, हरा कलर का था। तो इस प्रकार की चीज़ें जब सब बताते हैं बच्चे तो शिक्षक बोलते हैं जो आप गुण बता रहे हैं इनके कि पेड़ कैसा था, बड़ा था, छोटा था, सकरा था, हरा था, तो ये सब इनके गुण हैं तो इनको हम विशेषण कहते हैं। फिर इसी प्रकार से ये पूछते हैं कि वहाँ पर आपने बच्चों को देखा क्या, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, चल रहे थे, खा रहे थे, गाना गा रहे थे। जब ये बच्चे बोलते हैं कि ये काम कर रहे थे तो शिक्षक भी बोलते हैं कि ऐसी चीज़ जब कोई काम किया जाता है तो इनको क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो पर्यायवाची शब्द भी बताते हैं, जैसे आग को हम अग्नि भी कहते हैं, पानी को जल और नीर भी कहते हैं, पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नवाचार करते हुए पर्यायवाची शब्द क्रिया संज्ञा विशेषण की कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं बच्चों को। उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और इस नवाचार क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जाके जरूर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, या अभी तक आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक मनोरंजक ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।